गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आज हम उत्तराखंड में एक नई सीरीज शुरू करते हैं और राइटर्स को थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ के साहित्यकार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसी के लिए मैंने आप ये सीरीज चुनी है। तो मैं आपको कुछ राइटर ज़रूर कराऊँगा, तो देखते हैं आज का राइटर है कौन। आज है विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, विद्यासागर नौटियाल। ठीक, तो ये है विद्या सागर नौटियाल। विद्या सागर नौटियाल, इन्हें उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इनको? उत्तराखंड का प्रेमचंद। तो उत्तराखंड का प्रेमचंद, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहते हैं? विद्यासागर नौटियाल। जैसे प्रेमचंद थे, कहानियाँ उन्होंने बहुत सारी लिखी, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि सुना होगा आप लोगों ने, नमक का दबंगा वगैरह, ऐसे ही इन्होंने भी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं उत्तराखंड का प्रेमचंद। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनका जन्म और बर्थ प्लेस को। ठीक, इनका जन्म हुआ था सितंबर 1933 को। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 29 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था, और स्थान था इनका माली देवल गांव टिहरी। तो माली देवल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल परीक्षा में जो ट्रेंड है उससे आपसे पूछा जा रहा है कि ईयर भी पूछा जाता है और स्थान भी पूछा जाता है, कहाँ से समझ सकते हैं ये। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें। ठीक, अब बात है कि इनकी रचनाएँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको कैसे याद करें। दिक्कत तो यही है हिंदी में कि रचनाएँ कैसे एक साथ ले आए हम लोग। ठीक, उसके लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाऊंगा कि कैसे उनकी रचनाएँ आप लोग याद कर लेनी है। ठीक, सबसे पहले तो विद्यासागर नौटियाल उत्तराखंड का प्रेमचंद कहते हैं इनको, माली देवल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब इनकी जो रचनाएँ उनको कैसे करते हैं, देखो इन्होंने लिखी है टिहरी की कहानी। तो विद्यासागर नौटियाल टिहरी की कहानी बताते हैं। ठीक है, विद्यासागर नौटियाल टिहरी की कहानी में, इनकी बहुत फेमस है टिहरी की कहानियाँ, तो टिहरी की एक कहानी सुनाते हैं, टिहरी की कहानी। तो टिहरी की कहानी में इन्होंने क्या किया है, टिहरी की कहानी में बताया है कि सूरज सबका है, सूरज सबका है। तो सूरज सबका है, वह भीम अकेला है, वह भीम अकेला है, सूरज सबका है और भीम अकेला है। ठीक है, तो भाई ऐसा कैसा हो गया, सूरज सबका है और भीम अकेला क्यों है? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि क्योंकि यमुना, क्योंकि यमुना के बागी बेटे, क्योंकि यमुना के बागी बेटे, क्योंकि यमुना के बागी बेटे ने सच्ची डोर तोड़ दी, सच्ची डोर तोड़ दी, तो सच्ची डोर तोड़ दी। ठीक है, तो भाई तेरी कहानी में भीम अकेला है, सूरज सबका है। भाई भीम अकेला क्यों है? क्योंकि यमुना के बागी बेटे ने सच्ची डोर तोड़ दी। ठीक है, और सच्ची डोर तोड़ दी तो इस कारण वह झुंड से बिछुड़ गया, इस कारण वह झुंड से बिछुड़ गया। ठीक है भाई, तो वह झुंड से बिछुड़ गया। अब जब झुंड से बिछड़ गया, इसलिए भीम अकेला है और सूरज सबका है। ठीक है, मैं इन्हें याद करना कैसे करना है। ठीक है, तो टिहरी की कहानी में विद्यासागर नौटियाल क्या बोलते हैं कि भीम अकेला है और सूरज सबका है। तो भाई भीम अकेला क्यों है, सूरज सबका क्यों है? क्योंकि यमुना के बागी बेटे ने सच्ची डोर तोड़ दी, जिस कारण वह झुंड से बिछड़ गया। ठीक है, इसी में वो एक और इंसिडेंट सुनाते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि भैंस के कटने से। ठीक है, आप जानते हो कि भैंस के कटने पर आजकल विवाद हो जाता है। भैंस के कटने से अज्ञात मुलजिम को उम्र कैद हो गई, अज्ञात मुलजिम को उम्र कैद हो गई। ठीक है, तो बस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनकी सब कहानियाँ आ गई हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट है सारी लगभग आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कहानी याद है कि टिहरी कहानी में भीम अकेला सूरज सबका है क्योंकि यमुना के बागी बेटे ने सच्ची डोर तोड़ दी, जिस कारण वो झुंड से बिछड़ गया और भैंस के कटने से अज्ञात मुजरिम को उम्र कैद हो गई, तो इस प्रकार आप इसको
मेंटेन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, अब बात करते हैं रचनाएं कौन सी हैं, ये जो रचनाएं हैं वो हैं क्या, उनको सीक्वेंस में लिखते हैं भाई। ठीक है, तो इनकी रचनाएं जो हैं वो देखते हैं कौन सी है। सबसे पहले टिहरी की कहानियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए भी है, टिहरी की कहानियां, टिहरी की कहानियां। तो टिहरी की कहानियां किसकी है, तो विद्यासागर नौटियाल की है। नंबर टू है सूरज सबका है। ठीक है, तो सूरज सबका है, सूरज सबका है, सूरज सबका है। ठीक है, नंबर थ्री आएगी आपकी, अगली आएगी भीम अकेला है, तो भीम अकेला है, भीम अकेला है। ठीक है, इसके बाद है यमुना के बागी बेटे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगली कौन सी है, अगली है सुची डोर, सुची डोर। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको थोड़ा दिखने रहा होगा, सुची डोर। ठीक, और झुंड से बिछुड़ा, झुंड से बिछुड़ा, तो झुंड से बिछुड़ा ये इनकी अगली है। फिर भैंस के कटने से लिखा हुआ मैंने, तो कहानी के लिए लिखा था ऐसा, तो भैंस के कटने से आपको याद आएगा भैंस का कट्या, तो भैंस का कट्या इनकी पहली कहानी थी भाई। ठीक है, आएगा कभी विद्यासागर नोटा की पहली कहानी कौन सी है, तो भैंस का कट्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी लेंगे अपने लिए याद करने के लिए, ये फर्स्ट है इनकी। ठीक है, इसके बाद अगला है मुलजिम अज्ञात, मुलजिम अज्ञात। ठीक, और उम्र कैद, उम्र कैद। ठीक है, ये इनकी कहानी जो हमें बड़ी स्टोरी, वो इनकी रचनाएं सारी यहाँ पर आ गई। इसके अलावा एक और है उलझे रिश्ते, उलझे रिश्ते, उलझे रिश्ते इनकी एक और है। ठीक है, चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी पहली रचना कौन सी है, तो इनकी पहली रचना है ये भैंस का कट्या। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, टिहरी की कहानियाँ, सूरज सबका है, यमुना के बागी बेटे, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, भैंस का कट्या इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो इस तरह से विद्यासागर नौटियाल की रचना आपने कैसे करनी है। टिहरी की कहानी में क्या था, भीम अकेला है, सूरज सबका है, क्यों, क्यों भाई भीम अकेला क्यों है, क्योंकि यमुना के बागी बेटे ने सच्ची डोर तोड़ दी थी, जिस कारण वह झुंड से बिछुड़ गया, और भैंस के कटने से अज्ञात मुजरिम को उम्र कैद हो गई। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, उनकी रचनाएं। ठीक है भाई, तो विद्यासागर नोटियाल आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका, उत्तराखंड का प्रेमचंद, विद्यासागर नोटियाल, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और पिता का नाम आएगा तो नारायण दत्त नोटियाल। ठीक है, अब इनका पिता का नाम लिख देते हैं हम लोग, नारायण दत्त नोटियाल, पिता का नाम नारायण दत्त नोटियाल, उसे कचना ही ज़्यादा आएगी ना, नारायण दत्त नोटियाल। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है माली देवल गांव टिहरी, और कुछ नहीं इसमें से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं विद्यासागर नोटियाल, उत्तराखंड का प्रेमचंद इन्हें कहते हैं। ठीक, ये इनकी संभावित हैं कि एक इनमें से कोई रचना आ जाएगी। एक इनकी आत्मकथा भी है, आत्मकथा, तो विद्यासागर नोटियाल की आत्मकथा का नाम है मोहन गाता जाएगा, मोहन गाता जाएगा। किसकी आत्मकथा है, तो विद्यासागर नोटियाल की आत्मकथा है मोहन गाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करना है अभी। ठीक है, मैं आपको और भी रचनाकार कराऊंगा इसके बाद, जिस तरह से ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मेन है कि हिंदी में इससे इसका वेटेज ज़्यादा है, उत्तराखंड जीके वगैरह में भी। ठीक है, तो आप लोग इस माध्यम से इन की रचनाएँ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली रचना मैं अगली वीडियो में ही लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज आपको थोड़ा कहानी याद करनी है, टिहरी कहानी में सूरज सबका है, भीम अकेला है, क्यों है, क्योंकि यमुना के बागी बेटे ने सूची दौर तोड़ दी, जिस कारण वह झुंड से बिछड़ गया। ठीक है, इस प्रकार याद करना है आपको। ठीक, मैंने तरीका बता दिया है, आप अपने आप भी रचनाकार जोड़ सकते हैं। ठीक, तो कैसे लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए तैयारी में आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे भाई। ठीक, मिलते हैं जल्दी, आज के लिए इसमें इतना ही।